¡Delgado! ¡Delgado! जंग शुरू करने की इतनी भी क्या जल्दी है नासिर मियां? एक बार जंग छिड़ जाती है तो मैदान जंग में मौत सिर्फ एक सिपाही की ही होती है, लेकिन उसके साथ कई सारे रिश्तों की भी मौत हो जाती है, और उन रिश्तों का जंग से कोई वास्ता नहीं होता। गौर से देखो दोनों तरफ की टुकड़ियों को, एक शहजादे रुकनुद्दीन और आप ही नहीं हैं जो खून के बंधन में बंधे हैं, भाई भाई हैं। हमारी टुकड़ी के सिपा सालार रावतमल और आपके सूरजमल, ये दोनों भी तो भाई हैं, जो कि आज एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे कितने भाई और कितने रिश्ते आज एक दूसरे के साथ लड़ मरने को तैयार खड़े हैं। न जाने कितने बेटे अपने बाप के सीने में तलवार उतारने से आज हिचकिचाएंगे नहीं। सुल्तान अल्तमश, हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, पर मुल्तान तो हमेशा से दिल्ली का एक सूबा रहा, तो दोनों टुकड़ियों के दरमियान खून का रिश्ता होना तो लाजमी था। इसमें हैरत कैसी? मैदान जंग की मिट्टी तो खून के रिश्तों से लाल होती आई है और होती रहेगी। खून आज भी बहेगा, मिट्टी आज भी लाल होगी। ये जंग होकर रहेगी शहजादे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जंग एक सुल्तान और एक बागी के बीच है, एक बाप और एक बेटे के बीच है, तो मुकाबला भी इन दोनों के बीच ही होना चाहिए। सिर्फ यही दुआ करते हैं सुल्तान अल्तमश की बाजुओं में इतनी ताकत देना कि अपने बेटे का सर कलम करते हुए उनके हाथ ना कांपे। तिरकेट था दुनिया, खुला कीजिए, सिर्फ बचाव मत कीजिए। बहुत खूब अब्बू जान, नासिर मियां लड़ाई से पहले लगता है हथियार डाल देंगे, बख्शिएगा मत इन्हें। अब्बू जान गला काट दीजिए इसका। अपनी तलवार उठाकर हम पर हमला बोलिए शहजादे नासिर, यूं हारे हुए सिपाहियों की तरह नहीं, जांबाज शेर दिल सिपाहियों की तरह अपने दुश्मन पर हमला बोलिए। अलग कर दीजिए गर्दन इसकी, अलग कर दीजिए अब्बू जान। आपको देखकर यूं लग रहा है जैसे आपकी मां ने एक कायर, एक बुजदिल को जन्म दिया है। अगर आपको हमसे इतना ही डर लग रहा है शहजादे, तो अपनी मां के आंचल में जाके छुप क्यों नहीं जाते आप? ये क्या कर दिया अब्बू आपने? अपनी मां के आंसुओं का हिसाब नहीं मांगेंगे हमसे, उनकी दलालत का हमसे बदला नहीं लेंगे। अब इससे पहले कि हम अपने होश और हवास खो बैठे और रिश्तों का लिहाज खत्म कर दें, आप यहां से चले जाएं। या फिर क्यों नाम मर्दों की तरह अपनी मां के नाम को सरेआम जलील होने देंगे आप?
तुम सबको अपने शाही खानदान और ऊंची नस्ल के होने का बड़ा गुरूर है ना, लेकिन आज हम तुम्हारा ये गुरूर तोड़ देंगे। शाह तुर्कन को तुम्हारी बराबरी का दर्जा देने के लिए हम उससे निकाह करेंगे, उससे निकाह करेंगे, उससे निकाह करेंगे। आपका दुश्मन हो या ना हो, लेकिन एक बात मत भूलिए, आपकी रगों में इन्हीं का खून बह रहा है। और हां, आप एक एक खान सुल्तान अल्तमश की करतार। आपने शायद हमारा हुक्म नहीं सुना, तलवार हटाइए। लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे? शहजादी रजिया के अलावा ये करिश्मा और कौन कर सकता है वालिदा सुल्तान? जब सब ये सोच रहे थे कि शहजादी रजिया दिल्ली में है और दिल्ली में ये खबर थी कि शहजादी रजिया मुल्तान में है, तब शहजादी रजिया गजनी का सफर कर रही थी। उन्हें मालूम था कि इस जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो है सुल्तान यल्दौज, और इसी मकसद से उन्होंने इतना मुश्किल सफर अकेले तय किया। मतलब रजिया ने तो कमाल का हौसला दिखाया है। उसने न सिर्फ सुल्तान और नासिर के बीच की जंग रोकी है, बल्कि इस सल्तनत को भी बर्बाद होने से बचाया है। हाँ मलिका, अगर शहजादी रजिया ने इतनी हिम्मत ना दिखाई होती तो। खामोश लड़की, रजिया के गजनी जाने का जिक्र भी तुम्हारी जबान पर दोबारा नहीं आना चाहिए। लेकिन अम्मी, रजिया को तो शाबाशी, पागल हो गया कुतुब। हिंद का सुल्तान अल्तमश क्या अपने आवाम को यह बताएगा कि उसकी सल्तनत आज कायम है, महफूज है, तो शहजादी रजिया की बदौलत? जरा सोचो कुतुब, हुकूमत पर कितनी उंगलियां उठेंगी जब लोगों को यह पता चलेगा कि सुल्तान अल्तमश और उसके वली अहद आपसी रंजिश की वजह से जंग लड़ने जा रहे थे, और उस वक्त एक लड़की अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए गजनी तक पहुंच जाती है और इस जंग को रोकने में कामयाब हो जाती है। ये वो तोहमत है कुतुब, जो सुल्तान और नासिर के दामन पे लग जाएगी। देख पाओगी तुम? फातिमा, ख्याल रहे कि इस जंग को रोकने में रजिया ने कोई शिरकत नहीं की। आवाम तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, इसलिए गली कूचों तक ये खबर फैला दो कि इस जंग को रोकने के जिम्मेदार और इस तारीफ के हकदार सिर्फ और सिर्फ सुल्तान यल्दौज और कोई नहीं। रसिया की खबर तो हम बाद में लेंगे। कुतुब, वहीं चलते हैं। सुल्तान और नासिर के एक होने की खुशी में महल जाकर सारी तैयारियां शुरू करते हैं। जी।